मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में मैनेट भोपाल में आयोजित 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विज्ञान महोत्सव में कहा कि एक जमाना था जब भारत के उपग्रह कोई और लॉन्च करता था। आज हम सिर्फ अपने उपग्रह लॉन्च नहीं कर रहे बल्कि दुनिया के कई देशों के उपग्रह लॉन्च करने का चमत्कार कर रहे हैं। महोत्सव में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक के बाद एक समारोह आयोजित हो रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सीएम श्री चौहान जी सहजता और सरलता के साथ सहयोग और सुविधाएं प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीएम राइज स्कूल नसरुल्लागंज में जन सहयोग से स्मार्ट क्लास के लिए प्राप्त स्मार्ट टीवी जिले के स्कूलों में वितरित करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सीहोर जिला प्रशासन की टीम को बधाई देता हूं। जन सहयोग से आज सीहोर जिले में एक नया इतिहास रचा गया है। 1552 स्कूलों में 1630 स्मार्ट टीवी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पीपल, जामुन और खिरनी के पौधे लगाए। भोपाल के पूर्व महापौर श्री आलोक शर्मा भी पौधारोपण में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सारंगपुर से विधायक रहे स्वर्गीय श्री अमर सिंह कोठार जी की प्रतिमा एवं पार्क का निवास से वीसी के माध्यम से लोकार्पण किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सारंगपुर में नवनिर्मित उद्यान के लोकार्पण एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी कोठार की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। डिंडोरी जिले में पैसा नियम के अंतर्गत गांव काटी गहन की ग्राम सभा ने गांव में पूर्ण रूप से शराब निषेध प्रस्ताव पारित कर नई पहल की शुरुआत की। शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राम खेलावन पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में 5 से 20 फरवरी तक चलने वाले विकास यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की।